अजान अख्तर मिर्जा वक्त बेगम रसिया अख्तर मिर्जा का निकाह नूर हसन कुरैशी बिंत मरूम हसन कुरैशी के साथ तय किया जाता है। आप कुछ भी कर ले नूर, जो आप चाहती हैं वो कभी नहीं होगा। आपकी जिद कितनी भी पक्की क्यों ना हो, हमारे फैसले से टकराएगी तो उसे टूटना ही पड़ेगा। ये सही है, मतलब दो तीन भारी भरकम डायलॉग मार के एग्जिट ले लो और फिर सामने वाले को जवाब देने का मौका ही ना दो। एनीवे, अब तमाशे में शरीक होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब तमाशा भी खत्म और पार्टी भी, पर हाँ निकाह की रस्म में शरीक होना मत भूलेगा, क्योंकि इस बार कोई रोना धोना नहीं होगा, होगा तो सिर्फ जश्न और धमाल। तो आइएगा जरूर, वो भी पूरी तैयारी के साथ। वो क्या है ना कि बेगम साहिबा की हवेली में हर जश्न के साथ थोड़ा मसालेदार ड्रामा भी सर्व किया जाता है। अल्लाह हाफिज़। चीते के पर निकलते सुना तो था, देख भी लिया। झूठ बोलू तो कौवा का, आज तक मुझे लगता था कि सबसे ज्यादा शातिर मैं हूं, लेकिन इस नौकरानी की बेटी के जलवे देखो, एक ही झटके में सारी बाजी पलट दी। या अल्लाह, मैं तो इसकी कायल हो गई। नूर जहरीली नागिन बन चुकी है बेगम, और आज तो उसने बेगम साहिबा को भी डसने की जुर्रत की है। कहीं ऐसा ना हो कि कल हमें भी डस ले। अगर सांप जहरीला हो जाए ना तो उसे पत्थर नहीं मारते बल्कि बीन बजाते उसके सामने, वो भी दोस्ती की। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर खालिद को जेल से बाहर निकलवाना है इस नागिन के बिल में हाथ डालना ही पड़ेगा। एकदम सही। आंसू बचा के रखे जाए, जिंदगी भर इन आंसू की जरूरत पड़ने वाली।
वापस। सॉरी अजान, हम आपकी ये अमानत नहीं संभाल पाए। डिवोर्स पेपर साइन कर दीजिए अजान, बस हमें यहां से जाने की इजाजत चाहिए। ये अब क्या कर रही है बड़ी अम्मी? वही जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था। आपको ये घर छोड़ के जाना होगा नूर। आप ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ बड़ी अम्मी। हम ऐसा कर रहे हैं क्योंकि आपने हमें ऐसा करने पे मजबूर किया है। हम मीनू की तरह आपको चप्पल तो नहीं मार सकते, लेकिन आपको अपनी गलती की सजा देंगे। हम आपको बेदखल करते हैं अपने घर से, अपनी जिंदगी से और अपने दिल से। अम्मी ये सब क्या हो रहा? नूर ये घर छोड़ के जा रही है। बड़ी अम्मी, आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकती। इस घर के साथ मेरी अम्मी की यादें जुड़ी हुई हैं, मेरा बचपन जुड़ा हुआ है। बड़ी अम्मी, आप मुझसे मेरा बचपन, मेरी अम्मी की यादें नहीं छीन सकती। ये मेरा भी घर है। जितने यकीन से अपना कहा है उतने ही यकीन से अपना समझा होता तो आज ये घर तोड़ने की कोशिश नहीं कर रही होती। लेकिन अम्मी, आप बीच में मत आइए शायरा, हम नूर से बात कर रहे हैं। बड़ी अम्मी, आप बात नहीं समझ रही हैं। अगर आपने मुझे इस घर से निकाल दिया तो लोग क्या कहेंगे? कि रजिया बेगम ने अपने सबसे अजीज दोस्त की बेटी को 4 दिनों के अंदर अंदर इस घर से निकाल दिया। आपने जो मेरी अम्मी से वादा किया था उसका क्या? आप तो औरतों के हक और उनकी इज्जत के बारे में बहुत बातें करती है ना बड़ी अम्मी, तो फिर आप इस गरीब यतीम, इस बेसहारा को ऐसे दर दर कैसे भटकने दे सकती है बड़ी अम्मी? वाह वाह, ये नौकरानी की बेटी तो रातों रात माधुरी बन गई। बचपन से आपको दिल प्यारी है बेगम, असर तो पड़ना। आप सही कह रही हैं नूर, आप अपना फर्ज भूल सकती हैं, हम अपना फर्ज नहीं भूल सकते।